हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्टिस्ट काजल गुप्ता। चलिए आज हम, आपने देख तो लिया ही हम क्या बनाने वाले हैं। तो आज हम गिलास पर पेंटिंग बनाएंगे, 3D पेंटिंग। आप देख रहे हैं मैंने जी गिलास लिया हुआ है, इसके नीचे पेपर रखा हुआ है। तो हम पहले ही गिलास पर बनाने के लिए, ये आप देख सकते हैं मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है। आप इस तरीके से ड्रॉ करके मिरर के नीचे उसे रखिए और मिरर के नीचे सेट करके फिर हम इसको अच्छे से कलरिंग कर देंगे। मैं सिंपल वाली भी बिल्कुल बताने वाली हूँ। इस पर हम ब्लैक कलर से आउटलाइनिंग करेंगे, पूरा फिल करेंगे। इसके लिए मैं यूज़ करूँगी एक्रिलिक कलर। आपको इसमें वाटर कलर नहीं यूज़ करना है। अगर हम वाटर कलर यूज़ करेंगे तो वो जब हम ऊपर से सेकेंड कलर करेंगे तो वो इसमें मिक्स हो जाएगा, और जब हम फर्स्ट कलर कर देंगे तभी आपको सेकेंड कलर, सूखने के बाद सेकंड कलर करना है। तो ये मेरा मिरर बड़ा है इसलिए मैंने इसको साइड से टेपिंग कर लूँगी, जितने एरिया में मुझे इसको बनाना है, फिर उसके बाद मैं इसे कट कर दूँगी। तो ये आप देख रहे हैं मैंने ड्राइंग राम जी की धनुष बाण लिए हुए ड्रॉ की है और इसको मिरर के नीचे सेट किया है। ये मेरे पास एक्रेलिक कलर है जो कि मैं ब्लैक, पहले इस पर ब्लैक करेंगे, वो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ये मैं साइड से लाइन करूँगी, ये मैंने मार्कर से लाइन कर दूँगी दोनों साइड, जितना बड़ा मुझे एरिया चाहिए, और फिर इसके बाद हम इसमें टेपिंग करेंगे। जब तक आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर भी कीजिए। ये देखिए हमारी लाइन्स हो चुकी हैं, अब मैं टेप लूँगी और दोनों साइड अब हम इसमें टेपिंग करेंगे। ये हमने टेप लिया और हम अब इस लाइन्स के अंदर ही दोनों साइड इसमें टेपिंग कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हम टेपिंग करेंगे। जब तक हम टेपिंग कर रहे हैं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये देखिए हमने वन साइड टेपिंग कर दी है, बट आपको ध्यान रखना है कि टेपिंग करने के बाद जब भी आप कलर यूज़ करोगे आप इसमें एक्रिलिक या फैब्रिक कलर भी यूज़ कर सकती हैं, और कलर जब कम्प्लीटली सूख जाए उसके बाद ही हमें इसमें सेकेंड कलर को करना है, अदरवाइज कलर फैल जाएगा। अगर आप, मैं जिस तरीके से बता रही हूँ आप ऐसे करेंगे तो ना आपका कलर फैलेगा और ना आपको कोई दिक्कत आएगी। ये हमने पहले ड्रॉ किया हुआ है, आप रफली ड्रॉ कर सकती हैं। अब ड्रॉ करने के बाद हमने मिरर, ये इसके ऊपर है एक्रेलिक कलर लिया है, एक्रेलिक कलर ये मैंने आपको दिखा दिया, मेरे पास ट्यूब है। अब हम इस पर ब्लैक कलर करेंगे, जो जो मैंने ड्रॉ किया है इसको मैं कम्प्लीटली ब्लैक कर दूँगी। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से हम इसे पूरा कम्प्लीटली ब्लैक कर देंगे। इस तरीके से मैंने आपको ट्रिक बता दी हम किस तरीके से इसे कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसे करते हुए चले जाएंगे, पूरा इसे कंप्लीट करेंगे इसी तरीके से एक्रेलिक कलर से। अगर आपको इसमें फॉरहेड पर अगर तिलक दिखाना है तो हम पहले उसे दिखाएंगे उसके बाद ब्लैक कलर करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम सारे फीचर्स दिखाते जाएंगे और कलर करते चले जाएंगे। जब तक आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ये देखिए हम इस तरीके से आराम से, पानी की मात्रा हम कम ही रखेंगे, पानी की मात्रा में इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करनी है। पानी आप इसमें कम, बस इतना मिक्स करना है कि आपका कलर थोड़ा मिक्स हो जाए, बस ज़्यादा क्वांटिटी में हमें पानी यूज़ नहीं करना है। इस तरीके से अब आप देख सकते हैं मैं पूरा फिगर, ये टेढ़ा रखा हुआ है इसलिए आपको लग रहा होगा मैं ऊपर से देख रही हूँ तो मुझे बिल्कुल ऊपर से क्लियर दिखाए। आपको तिरछा पेंसिल दिखाई दे रही है लेकिन मुझे इस तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये हमने हाथ पर कर दिया इस तरीके से। आप और कोई भी फिगर बना सकते हैं किसी भी तरीके से। अभी मैं रफली करूँगी, इसके बाद इसमें फेस में करेक्शन करेंगे हम बाद में, पहले हम रफली कलर कर लेंगे उसके बाद सारे करेक्शन करेंगे।
देखिए अब इसमें हमने ये कम्प्लीटली ब्लैक कर दिया है अच्छे से, और अब हम इसमें जो है सेकंड कलर ऐड करेंगे, लेकिन इसे सूखने के बाद। तो मैं इसे सूखने के लिए भी थोड़ी देर के लिए रख दूँगी साइड से। ये हमारा बस फिनिशिंग हम फेस पर दे देंगे। फिनिशिंग देने के बाद, ये सूखने के बाद, अब हम इसमें सेकंड कलर, ये हमने सूखा लिया है, अब हमने ये सेकंड कलर लिया येलो कलर, एक्रेलिक कलर है ये भी। ये अच्छे से सूखने के बाद अब हम इसमें पहले रेड येलो कलर करेंगे। एक्रेलिक ब्रश से ही करें आप, तो इस तरीके से आप टैप करेंगे इसे, एकदम मिक्स नहीं करेंगे कि आप ब्रश को टाइटली चलाएं, बस इस तरीके से हम कलर्स को ऐड करते चले जाएंगे। येलो के बाद मैं इसमें कलर लूँगी ओकर कलर। येलो इसका थोड़ा डार्क होता है, तो हम इसमें ओकर येलो लेंगे। ये देखिए, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने ये ओकर कलर लिया है। जब तक आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और भी अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। ये देखिए, हम ओकर कलर कर दिया हमने, और येलो को सूखने के बाद मैंने इसको लिया है। अब इसी तरीके से अब हम लेंगे रेड कलर। यहाँ पर अब हम ओकर के बाद रेड कलर यूज़ करेंगे। हमने भगवान के चारों राउंड में सर के येलो कलर का शेड दिया है, अब उसके बाद हम रेड का देंगे। अब हम लेंगे रेड एक्रेलिक कलर। रेड एक्रेलिक कलर से, ये देखिए मैंने रेड कलर ले लिया है, अब हम इसको कम्प्लीटली पूरा कर देंगे। इस तरीके से हम इसे कम्प्लीट करेंगे। ये देखिए, टेप के अंदर ही हमें करना है पूरा, और फिर जब हम इसे पलट कर देखेंगे तो आप देखिएगा ये कितना सुंदर बनेगा। इसे हम 3D मिरर पेंटिंग भी बोलते हैं। ये एक इजी तरीका है कि आप इजी तरीके से थोड़ा इफेक्टिवल पेंटिंग्स कैसे बना सकते हो, जिससे कोई देखे तो बोले हाँ कुछ है नया और ट्रिकी। इसे हम बोलते हैं ट्रिक्स। अगर आपको पसंद आता है, प्लीज़ आप जल्दी से मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल को शेयर भी कीजिए। ये देखिए, अगर आपकी कोई डिमांड है, आप और कुछ बनवाना चाहते हैं, या आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आगे उसे ज़रूर बताऊंगी। ये देखिए, हमने कम्प्लीटली इसे कर दिया है, ये कम्प्लीट हो गया। अब हम इसे सूखने के लिए रखेंगे एक साइड से। अब इसे सूखने के बाद, ये थोड़ा सा सूख जाएगा, उसके बाद हम इसे पलट देंगे, फिर मैं आपको इसका कंप्लीट दिखाती हूँ कि क्या लुक निकल कर आता है। इसको ये सूख, थोड़ा थोड़ा सूख गया है ऑलमोस्ट, ये देखिए। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।